औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मैं सुना मेज़बान मोहम्मद वारिस अपनी सकाफत पेज से खुश आमदीद आखने। नाज़रीन आज जो साढ़े मेहमान है आज़ाद कश्मीर और खिता पटवारी जानी पहचानी शख्सियत ही कोयल जैसी आवाज़ रखने वाली शख्सियत जनाब राजा हफीज़ बाबू साहब साढ़े मौजूद है। अज अस इन गपशप करसा इन्हें जरा शायरी भी इन्ना कदम रख्या किस उम्र तो रख्या और किस हद तक इन्हें मुश्किल तकलीफिया सारे सवाल जवाब इन्होंने अस करसा। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई। वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी जी। फीस भाई तकरीबन खिताए पटवारी आज़ाद कश्मीर और पटवारी इलाके बहुत ज्यादा चाहे जाए पहला प्रोग्राम जो स्टार्टिंग की थी, एक जगह और किस एरिए से शुरू की थी? स्टार्टिंग माड़ी जनाब बकायदा जी साधन नाल सी सन 94 चो साढ़े ग्राएं नाल ही ग्राएं बिच समझ गए एक बैठक सी तो उत्थे असां साजा नालो मैट्रिक ने इम्तहान दिता सवेरे उस वेले क्योंकि साजा नहीं काफ़ी कमी होनी सी साढ़े एरिए फिर जेडे साढ़े अपना लोकल जितने कोई दस्तार नवास या घड़े आले या जेडे शेर आले सईद बादशाह नाल होने से उत्थों असां बकायदा साजा नालो इब्तदा की। उसने जेडे उस्ताद से वो केड़ी जगह नूर क्या नाया उन्होंने? मुस्तादा माड़े ना जी हाजी गुलाम रसूल बासी ना कोटे ने अल्लाह पाक उन्होंने उम्र दराज फरमान ते उन्होंने मुहब्बत तो मेहनत आईया और उन्होंने दस्ते शफकत आ उन्होंने प्यार आ उन्होंने रैबरी है जिसनी वजह तो अलहम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने जात आज अपनी इस मखलूक ने अंदर बेपना मुहब्बत और प्यार असा की जी अता हुई इन्होंने सारिया मेहनत उन्होंने शामिल। अच्छा फीस भाई पटवार और आज़ाद कश्मीर इलाके सब तो ज्यादा तुम कि एरिए तकरीबन अंदाजा है कि इस एरिए जी माड़ी गैदरिंग ज्यादा नहीं और आवाम ज्यादा चाहनी पी एक एरिया पटवारी ज्यादा समझो या आज़ाद कश्मीरी समझने? हजूर तुसा जो सवाल आ इस सवाल मामला ये होना कि कुछ इलाके ऐसे है जिथे आबादियां ज्यादा हियाँ या महफल शेर जो घट होनी उत गैदरिंग ज्यादा भी हो जानी चाहन आले ना जेड़ा सिलसिला आ मैं अक्सर इस गल्ला ना जिक्र कर रहा कि चाहन आले ऐसी ऐसी जगह मौजूद है और ऐसे लोग मौजूद है कि चाहन आले कि जिन्हां नाल साड़ा अज धड़े तक तारफ तक नहीं मेल मुलाकात तक नहीं। तो मैं अक्सर ये गल करना रहना कि मैं समझना कि जिथे वालदैन उस्ताद इन मुहब्बत तो दुआवं शामिल होनिया अल्लाह और उसने रसूल ना पंजन पाक ने सदके नाल जितनिया मेहरबानियां असं परतियां उत्थे उन्हें लोगों ने बड़ा किरदार आ कि जेड़े शायद अज धड़े तक अस उन्होंने आमने सामने ना अच्छी सके असा ना नहीं मिली सके अस उन्होंने ना मिली सके साड़ा नंबर कुसै कोई नहीं साड़ी हो सकना कुसै ने गलबात है ना हो वह इतनी तादाद ही कि मैं समझना कि वो अननाउन लोग होने जेड़े वैसे भी उन्हों जुहबत होनिया ते दुआवं जड़िया होनिया वो अंदर एक मुलाकात इन्नी शिद्दत होनी तड़प होनी कि बंदा जिस बंदे की चाहना उस नाल मेल मुलाकात ना हो सके। तो इस वास्ते मैं तो ना समझना कि जिथे तक पटवारी सकाफत शेरवानी सुनती जानी अलहम्दुलिल्लाह साढ़े चाहन आले हर एरिए मौजूद है। बिल्कुल जी पटवारी सकाफत जी साड़ी और बिलखसूस जी पटवारी शायर है ये तकरीबन ज्यादातर कश्मीर और खिताए पटवारी ज्यादा सुने जाना। अच्छा फीस भाई आखने के जब बंदे ने कोई दिल त्रुटना प्यार मोहब्बत होना दिल त्रुटना तो उलो ज्यादा या तो पागल हो जाना था या शायर बनी जाना तो उस नाल ये कोई वाकया होया इस तरह ना? हजूर ये तो हूँ चलो एक माशरे भी आम मशहूर होनी ना गल् जो कि बंदा अगे टोरना रहना तो बंदा आखे भाई दिल त्रुटना कुसै ना तो कोई शायर बनी जाना या कोई पागल हो जाना ये तो मैं तो समझना इस गल नहीं कोई खास मैयत कोई नहीं शुरा ऐसे ऐसे है सरकार के तुसा शायर होना माशरे नहीं आख एक पासा पूरे माशरे नहीं आख होना और पूरे माशरे की तकी कहते हैं असा आम बंदा हो सकना दो घंटे लाई तो तकरीर करे तो शायर जड़ा वो माशरे पर इतनी एक डूंगी बारीक बीनी नहीं नज़र रखने उन्हें कि हो सकना दो घंटे नहीं तकरीर एक पास तो शायर वो एक कली भी चुना लफ्जा की बंद करी ओड़ा इस तरह शरा शरीयत दीनी मामलात जितने उन्होंने पब्लिक तक पहुँचाने कुरान और हदीस ने हवाले नाल अल्लाह ने जितने अल्लाह ने नबी पैगंबर रसूल ओलिया अल्लाह साहबा इकराम पंजतन पाक ये इतनिया अजीम लोगों जड़िया
असाबानियां अंबियाए जेड़े ये पूरियां पूरियां दास्ताना ही हैं जेड़ियां ये लिखने वाले लोग पागल तो नहीं ना एवं वैसे साढ़े माशरे के अंदर बेशुमार गल्लां मशहूर होनियां तो वो चलो अपनी अपनी सोच ही अपनी अपनी फिक्र ही बंदा जिस तरीके नाल कोई गल बाया है समझे इस नहीं आ पता की गल शेर खवान केड़े ने जिन्हां नाल तुसीं सब तो ज़्यादा यानी कि मज़ा आया शेर पढ़ने गुजारिश है कि साढ़े कोलों बिलखसूस जितने भी सीनियर लोग हैं ना जी असं जिस वेले भी जितने भी सीनियर लोग है उन्हां नाल असं कि सब तो ज़्यादा मज़ा इस मारे हसना कि असं उन्होंने असं जूनियर होने तो असं उन्होंने रैफरी विच टुरने होने तो बड़े बंदे जेड़े आ वो गल भी बड़ी करने बड़ा जहन रखने होने बड़ी सोच रखने होने ते उस सोच और नजरिए नाल आवाम सारी है जी उसकी अपनी तरफ मतवजो रखना जेड़े सीनियर बंदे है ये उन्होंने ये लोड़ सारा समझी कि उन्ना पर होना तो हूं तो अलहमदुल्ला बड़े भी और साढ़े कोल जेड़े निके साढ़े अजीज है जितने भी वो सारे इतनी प्यारियां महफल करने कि मैं समझना कुछ है एक दो या चौने ना घिनसा तो बाकी बेशुमार बंद बिला वजह दिल अजारी हुई जानी अलहमदुल्ला बहुत अच्छे फनकार इस वेले जी साढ़े कोल तकरीबन सो यूं समझो कि मैं तो आसा कि साढ़े कोल सारे ही चंगे है अलहमदुल्ला तुसा शेर पढ़िया हुआ एक जड़ा आ माही आवे ना आवे यानी कि साड़ी नजर ही जड़ा सब तो ज्यादा पॉपुलर हो आजाद कश्मीरी ची पठवारी ची क्या तुसा ने इ पसंदीदा शेर है या तुसा ने नजर कोई और शेर है जो लोग बहुत ज्यादा उन्हें पसंद किया और चाहे उन्होंने हजूर ये गजल है साढ़े माड़े बड़े प्यारे मौसम ने तौसीफ अहमद रागी साहब कलर रहने सुई चीमिया उन्होंने गजल सी तो मैं काफ़ी टाइम पढ़ना रहा लेकिन एक दफा कोटली सत्तिया कामरा शरीफ दरबार ने उपर उत महफुर सी तो उत्थ बस कुदरत अल्लाह की तरफों होने मामलात वली नदार सुनने वाले जड़े आ वो सारे साढ़े वै नहीं होने बल्कि बड़े बड़े अल्लाह ने प्यारी मखलूक होनी बैठी हुई वो शेर पढ़िया पहले भी बहुत अरसे थी मैं वो गजल पढ़ना रहा लेकिन उस दड़े कुदरत को ऐसा एक माहौल सा इसकी मैं पढ़ने पढ़ने मैं अगर भी जिक्र हूँ थोड़ी देर पहले भी इसे गल जिक्र होना सा रात भी हुई बल्कि असं इतना बैठे से गल रात भी चली सी वो ये बोल है जेड़े ये मिसरा जड़ा एक लाइन सी जड़ी ये जिस वेला मैं पढ़ी तो मैं मजार शरीफ ने कदम आले पासे खलता असं पढ़ने समझना शायद अल्लाह ने वली ने रूह खुश होई फिर जड़ी अल्लाह की मखलूक उत्थे आई भी सी उन्होंने दिल खुश होए उन्हें दाद भी दी तो जिले दिल उन्होंने खुश होए तो ये बड़ा सदका आ कि दिलों की खुश करना अल्लाह की मखलूक ही जी उसकी मैं समझना कि जिस तरह असं चढ़ावा चाड़ने ना दरबार पर कोई मन्नत मंगी होनी किसी वसीले नाल भैया अल्लाह पाक तक मैं समझना कि यह गजल सी जी उत चढ़ावे ने तौर पर कबूल हुई उस तो बाद फिर इसकी जड़ा बहु रंग दिता साढ़े मौसम ने जी अल्लाह पाक उन्होंने उम्र दराज फरमान नायक राजा जुल्फी जिला इस्लामाबाद कृपे नाल उन्होंने तलक आ उन्हें फिर वो तो उन्होंने अशनी भी इे कह लैनी माई आवे ना आवे बेशक भावें झाड़ू रस्ते महबूब फेरदार हो उन्होंने वजह तू फिर मजीद इसकी उन्होंने इसकी सुनने ना जड़ा अंदाज सा उसकी मैं समझना लोगों बहुत ज्यादा लाइक किया आवाम मापुत आलिया चाहत आलिया उस वजह तू फिर ये जी गजल सी ये बड़ी पीक बनी इस तरह के गजल अच्छा तुसा साजी होने कद शेर पढ़ने साजिया पर गुस्सा आया ने नहीं जी साजिया पर एवं गुस्सा होना वैसे थे आराम आ लेकिन जगराते नहीं वजह तू कई दफा हुई जानी तो मिसटेक अक्सर पूछो तो सच मैं तो समझना कि
मिस्टेक अक्सर असा कोलू होनी क्योंकि महफल रोज होनी रहे जिस्मानी दिमागी सुरताल जी होनी वो भी सैटिंग कोई नहीं होनी तो कई दफा मिस्टेक साड़ी होनी तो वह कई बारी आने के होना दुखदाड़ी पर एक कम अक्सर ज्यादा होना। अच्छा बाबू साहब अक्सर लोग जानना चाहते सुन शायद साड़े आडियंस उन्होंने जानना चाहते सुन तो उम्र ये कितनी गई इस वेल्ले? अलहमदुल्ला जी उम्र माड़ी छेवें महीने 46 साल हुई है। 46 साल हुई है माशाल्लाह सलामत रखूँ सही जी। अच्छा सुनी औलाद कितनी है? अलहमदुल्ला जी अल्लाह ने दे दो बच्चे है दो बच्चिया ही है। तुमने एक शेर बहुत पुराना जो सुनया गया सा एक कि नचने गाने तो मैं सारी उम्र रहा कवालों के ना हाँ वो काफ़ी टाइम पहले अस पढ़ने होने से तो हूँ यादाश्तान ने मामला भी सच्ची गल पुछो तो इस तरह हुई जानी तो ना ले आके वो एक चीज़ की उसकी जिस वे अस ज्यादा टाइम पढ़ने आना तो फिर उसकी उसकी कोई अगले स्टैप पर लगे जाने तो फिर काफ़ी सारिया पिछलियाँ चीज़ा होनी जीडिया वो भुली जानिया दौर दौर नाल वक्त नाल निज़ाम जोड़ा वो चलना। बहुत शुक्रिया जी इस साढ़े नाल हफीज़ बाबू साहब जिन्हें असा की बमुश्किल एक टाइम दिता समझो कि साढ़े घर आए से गनीमत समझी उन्होंने को गपशप की तो असा बहुत शुक्रगुजार हैं जी। नेक सब रमन इंशाल्लाह सुना फिर हाजिर हो तब तक सुनो इजाजत अल्लाह हाफिज़।